मोर्चा के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। हम आपको सीधे चलते हैं कुमार अभिषेक के पास, उनके साथ अजय आलोक भी मौजूद हैं। कुमार, देखिए जिस तरह से अब ये स्टेटमेंट्स एक के बाद एक निकल के आ रहे हैं, अंदेशा तो था कि कुछ ऐसा होगा। जब बीजेपी अभी के हिसाब से 77 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बनी हुई दिखाई दे रही है, तो सवाल अब नैतिकता का भी है कि अगर गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ ही था, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर जबरदस्त वहां पर सेंटिमेंट था, नैतिकता क्या कहती है? नीतीश कुमार को क्या पीछे हटना चाहिए? पूछिए जरा अजय आलोक जी से क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ हैं अजय आलोक। अजय, अब धीरे धीरे ट्रेंड सेटल डाउन करता जा रहा है और आप दोनों बराबर सीटों पर लड़े थे, जेडीयू और बीजेपी। बीजेपी 77 सीटों पर आगे है, आप 50 तक भी अभी नहीं पहुंच पाए हैं, तो क्या माना जाए? क्योंकि बीजेपी के भीतर से भी आवाजें उठने लगी हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी से हो। अभी काउंटिंग खत्म नहीं हुई है, काउंटिंग खत्म होने दीजिए ना, उसके बाद आप सीटों में क्या आंकड़ा में अंतर रहता है वो देखेंगे। कहीं के चिराग ने बेचारी बहुत कोशिश की कि जेडीयू को जलाने की, लेकिन चिराग राग बुझ गए हैं। हमारी कोशिश है डैमेज मिनिमाइज करने की। फाइनल आंकड़े आप आएंगे तो आप देखेंगे, ये जो अभी आपको आंकड़े दिख रहे हैं इसमें कम से कम 20-25 सीट का फेरबदल हो जाएगा। ये ठीक है, चिराग बुझ गया आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर से बहुत सारे चिराग जल रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ नेता, शीर्षतम नेता नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, अमित शाह जी कई बार कह चुके हैं। अब इन दोनों के बयानों के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं कुछ कुछ नेताओं के बयान पर टिप्पणी करूं, मुझे नहीं लगता है कि ये उचित होगा। अभी परिणाम चल रहे हैं, परिणाम आने दीजिए, पहले परिणाम पूरी तरह से आ जाए, उसके बाद ही इन सब बातों पर कोई चर्चा। लेकिन अगर 30 सीटों का, 20 सीटों का, 25 सीटों का डिफरेंस अगर बना रहेगा तो नैतिक रूप से लगता है कि सही होगा मुख्यमंत्री बनना नीतीश कुमार का? अब ये नैतिक रूप या अनैतिक रूप ये मीडिया चैनल तो तय नहीं करेगा, आज तक तय नहीं करेगा, है ना। इसलिए परिणाम आने दीजिए, उसके बाद हम लोग तय करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो ऑलरेडी घोषित हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो बदलाव की, वो बात की बात है ना। अभी बदलाव सोचा किसने? पहले सरकार तो बने अच्छे तरह से। हमारा पहली कोशिश है कि हम 150 प्लस पे पहुंचे। लेकिन बीजेपी के भीतर से जिस तरह की बातें निकल रही हैं, बीजेपी के लोग नेता लगातार अब ये कहना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सीट का जो डिफरेंस है वो एक दिखाई दे रहा है फिलहाल रुझानों में, लगता नहीं है कि ये इको, ये वॉइस बीजेपी से जो निकल रही है बढ़ेगी? आप लोगों को इस पर जवाब देना मुश्किल हो सकता है। भैया, किसके लिए हम जवाब दें, किसको जवाब दें? प्रधानमंत्री जी को हमको जवाब देना है, अमित शाह जी को मुझे जवाब देना है। ये काम बीजेपी का ही, बीजेपी के लोग कर लेंगे, क्यों व्यर्थ के बहस में उलझना है? जिसपे कोई मतलब ही नहीं है तो वो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से पहले से कहा गया है वही चीजें होंगी, सीटें चाहे जिसको जितनी आए। दीवार पे इबारत लिखी हुई है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए मीनाक्षी, जो आत्मविश्वास है जेडीयू का उनके प्रवक्ताओं